आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी बहू व्लॉग्स में। सो आज जो हम डिश बनाने वाले हैं, जो सब्जी आज हम बनाने वाले हैं, वो बेसिकली ऐसी सब्जी नहीं है जो नॉर्मली आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाए। तो ये जो सब्जी है बेसिकली ये या तो जिन्होंने अपने घर के पास हो वहाँ से मिल सकती है, जंगल के पास जो लोग रहते हैं या जो इस तरीके के एरिया में रहते हैं पहाड़ी एरिया में, वही लोग जो है इस सब्जी को खाते हैं और उनको पता भी है। तो वो स्पेशल सब्जी है आज की हमारी बांस की सब्जी, यानी बस किले की सब्जी जिसको बैम्बू शूट कहते हैं। तो बांस में जो छोटी छोटी जो कोपल निकलती है तो उसको कट करके, उसको छील के, उनको बॉईल करके ये जो सब्जी बनाई जाती है और ये बहुत क्रंची होती है। हर जगह ये ओपनली मार्केट में नहीं मिलेगी आपको। तो हमें भी किसी के घर पे था तो किसी ने अपने घर से हमें ये लाके दिया है। तो आज हम बनाने वाले हैं इस तरह से बैम्बू की जो सब्जी है, यानी कि बसकिल की सब्जी, एकदम ड्राई, खाने में एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और जो इसको बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। और भी मेरी बहुत सारी ऐसी यूनिक सब्जी की मैंने वीडियो बनाई है, जैसे पुटपुटे और जिबड़ा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में आपको जो है लिंक दे दूँगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सब्जी बहुत यूनिक है, बहुत टेस्टी है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। एकदम आसान तरीके से बनाएंगे बसकिल की सब्जी। तो चलिए, तो ये है बसकिले, ये देखिए, ये जो बांस की कोपल होती है नई वाली, ये वो है। इनमें से कुछ जो है, अब जो है इसका सीजन चला गया है तो इसमें से कुछ जो है हार्ड हो चुके हैं और बाकी कुछ सॉफ्ट है। तो इनको पहले, ये जो इनका बाहर का कवर है, इनको अच्छे से निकाल लेते हैं। और ये जो बाहर ये जो दिख रहे हैं ना, इसमें बारीक बारीक कांटे होते हैं, अगर आप हाथ लगाएंगे तो इससे जो है बहुत खुजली होती है, हाथ में जलन होती है। तो इसको आराम से नीचे से पकड़ के एक एक छिलका करके निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं मैं दिखाती हूँ। ये देखो पापा यहाँ पे जो है बस किले निकाल रहे हैं एक एक करके, ये देखो छील रहे हैं इसके बाहर का छिलका। ये देखो चाकू से हल्का सा, देखिए चाकू से इसकी हेल्प से, क्योंकि अगर ये ऊपर लगाएंगे ना यहाँ पर, तो ये देखिए इस तरह से इसमें छोटे छोटे से जो है रेशे होते हैं जिनसे बहुत खुजली होती है हाथों में। तो इस तरह से सॉफ्ट हिस्से को पकड़ के चाकू की हेल्प से इनको इस तरीके से निकालते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसका टेस्ट जो है कर्च कर्च करके दांतों में चबाने में भी आता है, जो बहुत टेस्टी लगता है। इसको बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे मटन और चिकन का मसाला होता है ना, उसी तरह से जो है इसका मसाला बना के तब हम इसको बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से पापा इसको कर रहे हैं। तो एक बड़ा होता है तो फिर उसके बाद ये देखिए इतना छोटा सा तब निकलता है इतनी बड़ी टहनी में। और कुछ इसमें जो है पके हुए भी हैं तो उनको अलग कर लेंगे। तो हम सारे के सारे बसकिल जो है इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर जो है इसको हम इस तरीके से काट रहे हैं, देखो लंबा लंबा इस तरह से इसके पीस बना रहे हैं, बड़े बड़े से इस तरह से लंबे लंबे काट रहे हैं। कुछ लोग गोल गोल भी काटते हैं, बट इस तरह से अच्छे से उबल जाएंगे तो हम इनको लंबा लंबा इस तरीके से करके काट लेंगे सभी को। और जो है ये देखो यहाँ पे और भी छील लिए हैं, ये और हैं, और यहाँ पे इस तरह से बाकी के कट रहे हैं। बड़ी सावधानी के साथ कि हाथ में ना लग जाए, तो इस तरह से मैं चाकू की मदद से इस तरह से इसको जो है निकाल रहे हैं। कुछ इसमें से सॉफ्ट है, कुछ इसमें से बहुत हार्ड है। हार्ड वाले जो है हम यूज़ नहीं करेंगे, हम जितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं बस उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से जो है मैं निकाल रही हूँ। आपने भी अगर ये खाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखो हमने सारे के सारे जो बसकिल है, बैम्बू शूट्स हैं, उनको काट लिया है। और देखो किस तरीके से काटा है, पतला पतला और लंबा लंबा। तो इसी तरह से आपको ये सभी काट लेने हैं। और अब हम इनको उबालेंगे, और सिर्फ नॉर्मल पानी में नहीं, अब पानी में डालेंगे पहले राख, क्योंकि इसमें जो होता है इसका जो टेस्ट होता है भी थोड़ा कड़वा है, थोड़ा टरटरा सा टेस्ट है, जो मुँह पर कच्चा कच्चा टेस्ट आता है। तो जब हम इसको राख में उबालेंगे ना तो इसका वो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके यहाँ राख नहीं है तो आप हल्दी और नमक डाल के भी इसको उबाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक इसका जो टेस्ट है चेंज हो जाता है। पर हम चूल्हे, अभी चूल्हा जलाएंगे, उसमें इसको गर्म पानी में राख डालकर जो है इसको अच्छे से बॉईल कर देंगे। तो
तो चलो पहले ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ देखो हमने चूल्हे में जो है आग जला दी है, लकड़ी लगा के पतीला हमने रख दिया है। अब यहाँ देखो मम्मी जो है ना, यहाँ हमने पतीले में लिया है पानी और इसमें डाल रहे हैं राख। और ये देखो राख इसमें हम डालेंगे और इसमें पकाएंगे हम बसकिले। तो चूल्हा हमने जला दिया है, यहाँ देखिए, क्योंकि लकड़ी में जब हम इसको उबालेंगे चूल्हे में तो एकदम लाल इनका कलर हो जाएगा, बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। और यहाँ देखो अब इन बसकिल को जो है हम इस तरह से इनमें डाल देंगे और बाद में इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि राख भी इनसे अच्छे से धुल जाए। तो मम्मी जो है यहाँ पे चूल्हे में, चूल्हे का सारा काम मम्मी ही करती है। तो मम्मी चूल्हे में यहाँ डाल रही है राख, और अब हम जो है इसको ढक के इसको उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ देखो, और जब तक ये जो बॉयल हो रहा है हम इसका जो है मसाला तैयार कर लेंगे। जब तक ये उबल रहा है अच्छे से इसमें लगेगा टाइम। तो यहाँ देखो इसमें से राख देखो कितनी ज़्यादा उबल रही है, तो मैं ढक्कन जो है हटाकर एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये देखो अभी ये जो है हल्का हल्का सा लाल होना शुरू हुआ है, अभी इसे पकने में काफ़ी टाइम है। ये जो है काफ़ी लाल हो जाता है, इसका कलर देखो चेंज होने लग गया है। ये देखो अभी इसको और पकने देना है, इसको अच्छे से, ये देखिए इसको अच्छे से पकने देंगे। ये हल्का सा जो है इसका रेड कलर आने लगा है, जब ये पूरा रेड हो जाएगा तो मतलब ये पक जाएगा। तो इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारे जो बसकिल है, ये पूरी रात जो है हमने जो इनको चूल्हे में ही रहने दिया था, क्योंकि इसको जो है टाइम लगता है कि एक दो घंटे में इस तरीके से बस उबल के खाने के लिए तैयार नहीं होते। इसको कम से कम 6-7 घंटे आपको धीमी आंच में रखना पड़ता है। तो हमने इसको पूरा रात भर जो है चूल्हे में ही रहने दिया था। तो यहाँ देखिए इनका कलर भी इस तरह से चेंज हो गया है, इनके अंदर जितना भी टरटरा सा जो टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, वो सब निकल गया। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये फ्रेश बस्किल बचे हैं जो अच्छी तरीके से, ये देखिए अच्छी तरीके से जो है बॉयल हो चुके हैं। तो यहाँ हमने इसका देखे कलर भी देखे, हल्का हल्का सा रेड भी होने लगा है। तो इस कंडीशन में आपको पता चल जाता है कि चीज़ें पक गई है। ये देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो चुका है, बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब हम बनाएंगे इसका मसाला और मसाले में इसको जो है फ्राई करेंगे। उसकी पूरी वीडियो आप जो है एंड तक ज़रूर देखें। बहुत सिंपल तरीके से मसाला बनाएंगे इस टेस्टी से बसकिल का, ये देखिए। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ हमने मसाला बनाने के लिए जो ले लिया है वो है बिल्कुल नॉर्मल मसाला। तो हमने ले लिया है यहाँ पर खूब सारा प्याज, 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज कट कर लिए हैं। साथ में मैंने लिए हैं यहाँ पर 3 टमाटर, लहसुन थोड़ा ज़्यादा लिया है, और अदरक। इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और ये टमाटर, लहसुन और अदरक का हमें बनाना है पेस्ट। प्याज हम ऐसे ही तेल में भुनेंगे, लेकिन इन तीनों चीज़ों का मिलाकर जो है हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे जिसमें हम ये डालेंगे। इससे मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने कढ़ाई में लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है, हम इसको बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। और यहाँ पर हमने देखिए सरसों का तेल इसमें हमने डाल दिया है, तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो इसमें लगेगा सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से जो है गर्म हो गया है, धुआं इसमें से निकल रहा है। तो ये कटा हुआ प्याज जो है सारा मैं जो है इस तेल में डाल दूंगी। प्याज को जो है हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक जो है अच्छे से भून लेंगे। प्याज अगर कच्चा रह जाए तो ये जो है सब्जी को हमारी मीठा मीठा कर देगा। तो प्याज अच्छे से भूनना है, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जब तक, तब तक भूनना है इसको बढ़िया करके। जब तक हमारा प्याज जो है भुन रहा है हम मसाला तैयार कर लेते हैं कटोरी में। तो मसाले में क्या क्या चीज़ें डलेंगी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बहुत सिंपल मसाला इसका बनने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी हमने इसमें डाली है। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है, इतना हमारी जितनी सब्जी है उसके हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर।
जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से इसमें लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे। फिर मैं डालूंगी इसमें थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा पिसा हुआ जीरा, ये है पिसा हुआ जीरा, और बाकी थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला। तो ये आपके जो सारे मसाले हैं ये अच्छे से हमने इसमें डाल दिए हैं। बस इतने ही मसाले आपको इसमें चाहिए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर कर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम जो है इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ऐसे में जो मसाले का कलर होता है, सब्जी का कलर होता है, बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल देती हूँ। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ये देखिए पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छे से अब जो है मैं सारे मसाले को मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मसाले का एक पेस्ट मैंने बना लिया है। इससे सब्जी का कलर भी अच्छा आता है, मसाले जो है अच्छे से पानी में घुल जाते हैं और ये जलते नहीं हैं। ठीक है, पानी में मैंने मसाले डाल दिए हैं, तो अब जब हम डायरेक्ट तेल में डालते हैं तो मसाले थोड़े से जल जाते हैं, उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ पाता, इतना अच्छा कलर भी नहीं आ पाता। बट इस तरह से जब आप मसाले डालेंगे किसी भी सब्जी में, किसी भी दाल में, आप इस तरह से पेस्ट बना के मसाले डालें, उसका कलर भी अच्छा होगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो सभी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, प्याज अच्छे से जो है भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये बनाया हुआ पेस्ट। इसमें है अदरक, लहसुन और टमाटर। तो इस पेस्ट को जो है हम अच्छे से इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको भी साथ में पका लेंगे। हरी मिर्ची ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट मैंने स्किप की है। तो अच्छे से जो है अब इस मसाले को जो है हम पकने देंगे। टमाटर भी देखिए अच्छे से जो है पक चुका है। तो अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा रेड कलर पाउडर, यानी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें थोड़ी सी जो है डालूंगी। इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप कश्मीरी लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें थोड़ी सी डाली है। और अब बारी है इसमें मसाला डालने की, क्योंकि सभी हमारे जो टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाला। तो ये है हमारा मसाला और इसको जो है मैं इसमें डाल देती हूँ और इस मसाले को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, और अब इस मसाले को जो है अच्छे से पकने देंगे जब तक सारा तेल जो है इसके ऊपर नहीं आ जाता। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम मसाला पकने देंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा, बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। तो इसको जो है मैं अच्छे से जो है अभी इसको लो फ्लेम पे इसको कुक होने देते हैं जब तक सारा तेल जो है इसका ऊपर नहीं आ जाता। तब तक हम बीच बीच में अपने बस्किल भी चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है रेडी हो गया है और देखिए कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से कितना सुंदर सा कलर इसमें आया है। और क्योंकि सरसों का तेल था तो उससे भी जो है कलर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। और उबले हुए बस्किल अब मैं जो है इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको इसमें डालेंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना होता क्योंकि ये पहले से उबले हुए हैं, पहले से पके हुए हैं। बस अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएं और अच्छा सा जो है इनका पानी थोड़ा सा सूख जाए, इतना ही हमें इसको पकाना है। और यहाँ पर हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। और देखने में देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप इनको बिना रोटी के ऐसे ही खा लेंगे, इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इसको कई अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ नॉर्मल बस तेल में जीरा डालकर भी इसको बना देते हैं, या तेल में जख्या डालकर भी इसको सिंपल बना देते हैं। बट हमारे यहाँ इस तरीके से बनता है और मुझे इस तरीके से इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा चटपटा सा, एकदम कलरफुल। तो मेरी रेसिपी तो ये वाली है, हमारे घर में बचपन से हमने इसी तरीके से खाया है। आप भी जो है इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप भी बोलेंगे कितना टेस्टी बना है, कितना अच्छा बना है। तो अच्छे से ये जो है अब मैं इसको कुक होने देती हूँ। तो ये देखो सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये बनके तैयार है हमारी बस किले की सब्जी, यानी बांस की सब्जी, बैम्बू शूट। और ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी ये देखने में लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाई हुई। अगर आपके भी आसपास कहीं पे आपको ये सब्जी मिलती है तो उसको इस तरह से ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये ऐसे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो टिप्स मैंने दिए हैं कि रात भर इसको राख में चूल्हे पर जो है छोड़ देना है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है,
सारा कड़वापन निकल जाता है, तो वो भी ज़रूर करें, इससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो एंड तक देखें और अपने घर पर ये रेसिपी बनाएं और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।